नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तों टीम इंडिया और टीम इंग्लैंड का इन दिनों दोस्तों वनडे सीरीज चल रही है और ये सीरीज पूरी तरह से वुमेन सीरीज है और आपको बता दें कि टीम इंडिया के हालात जो हैं वो बहुत बुरे चल रहे हैं हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी भी इस सीरीज का एक मैच बाकी है और टीम इंडिया अब अपनी लाज बचाने के लिए उतरने वाली है भारतीय महिला क्रिकेट टीम शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में लाज बचाने उतरेगी दो मैच हार चुकी टीम इंडिया क्लीन स्वीप से बचना चाहेगी पिछले

पड़ा लगातार अंतराल पर विकेट पतन के कारण कप्तान मिताली पर बोझ काफी बढ़ जा रहा था जिससे उनका खेल भी प्रभावित हो रहा है टीम के लिए सबसे अधिक चिंता का विषय उप कप्तान हरमनप्रीत की फॉर्म है जिनके प्रदर्शन में पिछले चार साल से निरंतरता नहीं है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो विश्व कप में एक रन की शानदार पारी के बाद वह सिर्फ दो मैचों में ही अर्धशतक लगा सकी है इस दौरान उन्हें अट्ठाईस मैचों में बाईस बार बल्लेबाजी का मौका मिला मिताली और जेमिमा रेडिग के अलावा पूनम राउत शर्मा और तानिया भाटिया के पास बड़े शॉट खेलने की क्षमता नहीं होने के कारण सलामी बल्लेबाजों स्मृति मंधाना और सत्रह साल की सैफाली वर्मा पर बहुत दबाव बन रहा है भारत के लिए मिताली ने दोनों मैचों में अर्धशतक लगाए लेकिन इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट साठ के आसपास रहा भारतीय बल्लेबाज के लिए खाली गेंदे भी बड़ी समस्या रही है पहले मैच में टीम कैथरीन ब्रंट आनिया नेट साइवर केट क्रॉस और सोफी एक्ले के खिलाफ पचास ओवर में एक गेंदों पर एक भी रन नहीं बना सकी थी तो साफ देखने को मिल रहा है दोस्तों कि इंग्लैंड की जो टीम है वो पूरी तरह से महिला भारतीय टीम पर भारी पड़ रही है उम्मीद करते हैं कि तीसरा वनडे मैच टीम इंडिया अच्छे से जीतेगी तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद